तो यहाँ पे बनाया जी वकास ने तसीब का हेयर स्टाइल जो कि बहुत ही बदसूरत लग रहा है। उसके बाद में किचन में चली गई थी खाना बनाने, तो आपको पता है चिकन कढ़ाई बची हुई थी और मैं खाना वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैंने बच्चों से पूछा और वकास से पूछा कि स्पेगेटी बना दूँ, तो उन्होंने बोला हाँ बना दो। तो पास्ता सेवैयाँ आपको पता है हम यूज़ करते हैं, वो वाली यूज़ नहीं करते, दूसरी वाली। तो मैंने स्पेगेटी बना दी बच्चों के लिए और वकास के लिए, और ढेर सारी बना ली थी मैंने, और फिर अभी भी पड़ी हुई है, आज दिन में भी हमने वही खानी है। तो मैंने पूछा कैसी बनी हुई है, तो वकास कहते हैं बहुत अच्छी, मैंने बोला बगैर खाए बहुत अच्छी लगी, तस्वीर को तो बहुत पसंद आई थी और मुझे भी बहुत पसंद आई थी। फिर खाना वगैरह खा के अपने काम ख़त्म करके हम सो गए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं नताशा वकास, आज बहुत सारे काम करने हैं। आज मैंने 2 इंस्टाग्राम की वीडियो शूट करनी है, 1 यूट्यूब की वीडियो शूट करनी है, 1 इंस्टाग्राम की वीडियो है स्किन केयर की, 1 वीडियो है किसकी कपड़ों की, 1 वैक्स की वीडियो भी शूट करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझे ना वो वैक्स का बता दें, सॉफ्ट वैक्स कैसे यूज़ होगी। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ मैं। कल वाली वीडियो में सबने पूछा हुआ था कि आप एक फेस मसाजर का यूज़ बता दें, आपको बताइए ये बॉक्स में आता है। मुझे ये 2 रिसीव हुए थे, एक बहुत पहले रिसीव हुआ था, एक अभी मेरे पास नीले कलर में, रेड कलर में और पिंक में भी है। मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है पिंक पिंक पिंक। तो इसका सिंपल फंडा है, मैं सेंड डाल दिया आपने, इसके अंदर कोई भी अपना फेवरेट फेस वॉश लिया आपने और डाला ऐसे, ओके, आपने हल्का सा इसको गीला किया ऐसे, उसके बाद आपने फेस को भी गीला करना है ना, ओके जी, हमारा फेस गीला हो गया। अब हम बटन ऑन करेंगे और इससे जो है हमने अपने फेस की करनी क्लिनजिंग। इससे क्या होता है, जो आपकी स्किन का जो टेक्सचर खराब हो रहा है, बम्स बन रहे हैं स्किन के ऊपर, डिस्कलरेशन आ रही है, तो ये देखें बहुत सॉफ्ट होता है ये आपकी स्किन के ऊपर, और बहुत ही अच्छे से राउंड राउंड मसाज करके आपकी पूरी स्किन को जो है वो नीट कर देता है। और इसके अंदर जो है वो मैनीक्योर और पेडीक्योर के लिए अलग ब्रशेज हैं कि आपको ये टेंशन ना हो कि आप मुंह वाला ब्रश जो है आपने पैरों पर लगाना है, मतलब कि पैरों का सारा सामान अलग है और फेस का सारा सामान अलग है। तो ये आपका मैनी पेडी में भी यूज़ हो जाता है, इसके अलावा आपका ये फेस मसाज में भी यूज़ हो जाता है, क्लिनजिंग स्क्रबिंग सब कुछ कर सकते हैं। और ये इतना जेंटली आपकी नोज़ वगैरह हर चीज़ साफ़ करता है कि आपको ब्लैक हेड्स भी नहीं बनते। मैंने इसकी स्पीड जो है वो नॉर्मल रखी, ये हाई भी है ये, लेकिन बेस्ट होता है कि आप जो है ना वो लो स्पीड पर स्लो मोशन में इसका मसाज करें, दिन भी से बहुत अच्छे साफ हो जाती है आपकी। कितना काला हो गया ये हालांकि ये नहीं कि मुंह नहीं धोते, रोज धोते हैं, पर फिर भी डस्ट होता है ना, तो ये अच्छे से साफ कर देता है। मैं इसको निकालूंगी ऐसे, इसको वॉश करूंगी, फिर हमने ये फेस कितना क्लीन हो गया कि आपको आईब्रो का भी एक एक बाल नजर आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो करनी है ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं वहां पर छुट्टी हो जाऊंगी और कपड़े शपड़े सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैं वो करने जा रही हूँ अभी, और उसके बाद जो थोड़ा सा लिपस्टिक शिपस्टिक जो भी लगाना होगा लगाऊंगी। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो यार, क्योंकि इस तरह की चीजें ना इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती है, क्योंकि अब सारा कुछ यूट्यूब पे दिखा देंगे तो इंस्टा पे कौन देखेगा, हमें इंस्टा पे कौन फॉलो करेगा। जैसे आप लोग पूछते हो खाने का पेजेस या फलानी ब्रेडशीट का पेज या फलानी चीज का पेज, तो इंस्टा पे आ जाओ उसके लिए। ठीक है ना, बुरा बना वक्त बदलेंगे, हलाल बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे। ओके भाई, तो मेरे बालों को स्ट्रेट कर लिया क्योंकि कल मैंने फजीन फजाइन जो भी होता उसका हेयर मास्क यूज किया था, मेरे बाल झाड़ू बन गए थे। स्ट्रेटनर मैंने यूज किया है, ये सैलून स्काई का स्ट्रेटनर है, बड़ा फिट स्ट्रेटनर है, मैं इसको 170 हीट पे यूज करती हूँ, उससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बाल जो है ना वो केमिकल ट्रीटेड हेयर है और मेरा बाल जो है ना वो जल सकता है अगर मैं इससे ज्यादा पे हीट करूँ। पर ये कि इतना स्मूथ ही आपके बालों को स्ट्रेट करता है ना, ये देखें वाओ, सही रेमिंगटन से अच्छा आपके बालों को स्ट्रेट करता है, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा शाइन। और देखिए हेयर केयर करने से बाल सही हो रहे हैं ना मेरे, पहले की तरह वॉल्यूमाइज होना शुरू हो गए हैं। तो चले मैं अपने शूट रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, इसका स्विच मैं आपको दिखा दूँ, ये जो अच्छे वाले स्ट्रेटनर होते हैं ना उनका स्विच ऐसा होता है, इसकी वायर भी काफी लंबी है, रोटेटिंग कार्ड है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती स्ट्रेट करते हुए, और इसकी जो मैक्सिमम हीट है वो 230 है, और जो रेमिंगटन के स्ट्रेटनर आते हैं ना वो 20 वॉट के आते हैं, ये 50 वॉट का स्ट्रेटनर है, मतलब सही पावरफुल स्ट्रेटनर है। और क्या बाल कर्ल होते हैं इससे, क्योंकि आप नजर आ रहा है इसके एजेस जो है वो राउंड है। तो चले मैं अब आगे जाके अपनी वीडियो शूट करती हूँ, मैं लेशेज नहीं लगा रही, मैंने सिर्फ मस्कारा लगा लिया क्योंकि लेशेज पड़ी नहीं हुई मेरे पास, एक भी सारी खराब हो गई। तो बाकी जो वीडियो है ना आप इंस्टाग्राम पे देख लेना मेरी।
अच्छा ये जो मैंने प्रोडक्ट यूज किया है ना स्ट्रेटनर और मसाजर, ये आपको NBS ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगा दूंगी, आप लोग वहां जाके बाय कर लेना ठीक है। तो भाई ये थे वो तीनों ड्रेसेस, ये मुझे एक इंस्टाग्राम पे पेज है उसकी तरफ से आए थे और इनकी एक प्रमोशनल वीडियो करनी थी इंस्टाग्राम पे तो मैंने लगा दी, आप लोग देख लो। तीसरा ड्रेस जो था वो ये वाला था, बाकी ये कि फुल ड्रेस आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे, आप लोग वहां जाके देख लेना। बाकी मैं दिखाती हूँ आज खाना वाना का क्या किया है मैंने, सारे काम खत्म करके ना उसके बाद जो है मैंने वीडियो शूट की थी। अच्छा खाना मैं इसलिए नहीं बना रही कि कल मैंने स्पेगेटी बनाई थी रात को देर से 10 या 11 बजे, तो वो अभी एजटीज पड़ी हुई है, और इसके अलावा जो जर्दा आया था अफशा किचन से वो भी एजटीज पड़ा हुआ है। तो फिर वकास ने बोला हम यही खा लेंगे आज, तो अभी तुम कुछ भी मत बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है मैं जो है कोई चीज़ कर लूँगी फ्राई, अगर वकास ने बोला कोई समोसे वमोसे या चिप्स बना लूँगी साथ में। क्या चाहिए बेबी आपको? तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं वापस उसी हुलिये में आ गई हूँ मैं, अभी मैं बना रही हूँ वकास के लिए खाना, और वकास बोल रहे हैं मुझे पराठे ही बना दो, वो सुबह के गए हुए थे 8 बजे के जब बच्चों को स्कूल छोड़ा था, तो और अभी आए हैं वापस ज़रूरी काम से, और जाना भी बहुत ज़रूरी था, एक मकैनिक के पास जाना था, गाड़ी का सामान लेके देना था उसको सारा, और फिर 2-3 जगहों पर और जाना था। खैर मैं दिखाती हूँ आप, तो मैं घी ख़त्म हुआ हुआ है तो मैं देसी घी के पराठे बना रही हूँ वकास के लिए। अच्छा देसी घी है जी हमारा ये चिकन प्योर वालों का, और आटा दूसरा ले आए हैं वकास, अब खा तो रहे हैं अल्लाह करे अब खा लें बस यही वाला आटा, वाइट वाला आटा ख़त्म हो गया था, मैंने कहा यार ये वाला ले आओ। तो चाय रखी है मैंने उनके लिए और अब बस रोटी बनाती हूँ, वो बोल रहे हैं मैंने अंडा पराठा खाना है, मैं अंडा पराठा दे दूँ, मैंने कहा चलें ठीक है मैं अंडा पराठा दे देती हूँ आपको। और टाइम हो रहा है इस टाइम 4, कुछ भी नहीं खा के गए सुबह, मैं इनको बोल रही थी नाश्ता कर लो, तो सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं होता, फिर मैंने इनको 3-4 दफा कॉल के बाहर से कुछ लेके खा लो बिस्किट से खा लो, सुबह से भूखे पेट फिर रहे हो, पर उन्होंने कहा कि नहीं घर आके खाऊंगा, तो मैं भी उनके इंतजार में बैठी हुई थी कि आते हैं खाना खाती हूँ तो हम दोनों खाना खाएंगे। कास के लिए जो है मैंने 2 अंडे बना दिए थे कि वो पेट भर के खाना खा लें, पराठे भी 2 बना दिए थे, और बच्चों के लिए जो है मैंने नाश्ता पहले ही बना लिया था 1 बजे या 2 बजे आई थिंक जब वो स्कूल से आए थे कि आप लोग नाश्ता कर लो, उन्होंने पूछा पापा कहाँ हैं, मैंने कहा वो काम पे गए हैं, तो फिर मैंने वकास को बोला मोबाइल साइड पर रखो और खाना खा लो, पेट भर के बाद में होते रहेंगे सारे दुनिया जहान के काम। फिर बच्चे भी आ गए थे वकास के साथ खाना खाने के लिए। तस्वीर खाने लगी है स्पैगेटी, तस्वीर कैसी बनी थी? मुझे की मिलती मैंने सुबह उठ के साथ पहले स्पैगेटी खाई, फिर नाश्ता किया था आपने, ओहो अभी फिर इसमें स्पैगेटी गर्म करवाई है, वकास खा रहे अंडा पराठा, कैसा बना ये वाला आटा खा के कैसा लग रहा है आपको? नहीं यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, मैं तो यही खाती रही हूँ, जाहिर है हमारी अपनी जमीनों से अनाज आता है, फिर मम्मी उसको धोती है, फिर हम धूप में सुखाते हैं उसको, फिर वो चक्की पे जाता है, फिर चक्की पे जाता है बनने के लिए। लोग मेरे बच्चे वैसे माशाल्लाह सारे जो है ना वो साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, मैंने आदत डाली हुई है इनको बलाज और अभाज को भी और अर्मिश को भी, मतलब मैं ना फीडर मांगते हैं ना तो मैं धमकी दे देती हूँ कि खाना खाओगे तो फीडर मिलेगा, तो फिर इस डर से भी खा लेते हैं वो, या फिर कोई चीज़ चाहिए हो या खिलौना तो मैं बोलती हूँ ये रोटी रखी है या ये चीज़ पड़ी हुई है, ये बोटी पूरी फिनिश करो या ये एप्पल खाओ तो फलानी चीज़ मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, तो फिर वो खा लेते हैं इस चक्कर में चीज़, वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र से, तो बस वो वाली मिसाल है हमारी भी। तो भाई आज का छोटा सा ब्लॉग था, जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए थे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाऊंगी, आप लोग वहां से जाके बाय कर लेना, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो के लिए इंस्टाग्राम पे आ जाना वहां पे लगाऊंगी, तीनों ड्रेसेस की फुल वीडियो होगी ठीक है। तो अपना ढेर सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।